निराला कोई और नहीं, वो भोलेनाथ के निराला गौरीनाथ के निराला कोई और नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 1/5/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग सुनाने से पहले फिर मैं आज आपको बता दूं कि मैं मुरली तो सुनाऊंगी लेकिन साथ साथ मुरली के महावाक्यों को प्रश्न के रूप में आपके आगे रखती भी जाऊंगी और उसका उत्तर मीठे मीठे बाप दादा ने जो दिया है वह भी सुनाती जाऊंगी। अतः आप नोट कर सकते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे हम किस फैमिली के हैं? हम दैवी फैमिली या ब्राह्मण फैमिली या ईश्वरीय फैमिली या फरिश्तों की फैमिली, हम किस फैमिली के हैं? तो बाबा कहते हैं, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। हाँ, सबसे ऊंचे ते ऊंचा नशा, सभी फैमिलीज में ईश्वरीय फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है। अच्छा भला ईश्वरीय फैमिली का लॉ क्या है, नियम क्या है? तो ईश्वरीय फैमिली का लॉ है भाई भाई होकर के रहना। अच्छा भला ब्राह्मण कुल के हैं तो ब्राह्मण कुल का लॉ क्या है? तो बाबा कहते हैं कि भाई बहन होकर के रहना ये ब्राह्मण कुल का लॉ है। इसलिए विकार की दृष्टि कभी हो नहीं सकती। अच्छा प्रश्न है, संगम, ये संगम युग कल्याणकारी युग है, ये तो हम सभी मानते हैं, तो वो कैसे है? उत्तर है कि इस ही समय बाप माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप अपने लाडले बच्चों के सन्मुख आते हैं और बाप टीचर सतगुरु का पाठ अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत और जो नरक को स्वर्ग बनाने की व सबको सदगति देनी है तो उस श्री मत को जानते हो और फिर उस पर तुम चलते भी हो। अच्छा फिर प्रश्न है, तुम्हारा सन्यास सतोप्रधान सन्यास कैसे है? हाँ सन्यास तो अज्ञानी मन जो सन्यासी हैं वो भी करते हैं, परंतु हमारा सन्यास सतोप्रधान है तो कैसे? अब बाबा ने उत्तर दिया है, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और बाप के वर्षे को याद करते पवित्र बनते हो और परहेज रखते हो जिससे तुम देवता बन जाते हो। उनका सन्यास, हाँ जो सन्यासी सन्यास करते उनका सन्यास हद का है और तुम्हारा बेहद का है, उनका बेहद का नहीं। गीत बहुत प्यारा बजा है, भोला नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए बात बताई है। नंबर 1, प्रश्न के रूप में बताती हूँ कि देह अहंकार को यदि हम छोड़ेंगे तो छोड़ करके हमें बनना क्या है? तो बाबा कहते हैं कि देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है। अच्छा अशरीरी बनने का क्या करना है? बाबा कहते हैं खूब अभ्यास करो। तो अभ्यास किस बात का करना है? अशरीरी बनने का। नंबर 2 है, ड्रामा को यथार्थ रीति से समझकर पुरुषार्थ करना है। अच्छा ऐसा नहीं सोचना है कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। यदि ऐसा सोचकर पुरुषार्थ किया तो क्या हो जाएगा? पुरुषार्थहीन हो जाएंगे।
तो पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। तो पुरुषार्थहीन बनने का संकल्प कमजोर कौन सा हुआ कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, तो हमें उससे अपने को मुक्त करना है। अच्छा, फिर वरदान है। वरदान के लिए भी प्रश्न के रूप में मैं आपके सामने बात रख रही हूँ कि मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए क्या करना पड़े। उत्तर है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले। अब बाबा वरदान देते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान भव। यदि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो हमको कौन सा नशा होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं और हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस शान की सीट पर बैठते हैं तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं वो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। अच्छा, देवताओं की शान और ब्राह्मणों की शान, अब ये दोनों की शान में से ऊंची शान किसकी है? तो बाबा कहते हैं देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों की शान है। यदि हम स्मृति में रखें कि परमपिता परमात्मा हमें प्राप्तियां करा रहे हैं तो उस कौन सी श्रेष्ठ शान की बात हमें बुद्धि में रखनी पड़ी? बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखना पड़े तो उससे हमें नशा चढ़ेगा। तो यही सदा स्मृति में रहे, और फिर जब ये स्मृति में रहेगा सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने आएगी तो वो देखते हुए हम कौन सा गीत गाएंगे खुशी में? तो बाबा कहते हैं फिर तुम यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। अब सर्वशक्तिमान की सहज स्थिति बनाने के लिए हमें क्या करना पड़े? तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन है आज का, सर्व प्राप्तियों का आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं कि योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।